नमस्कार, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा और भाकपा माले ने मनरेगा कार्यालय बैरिया पर प्रदर्शन कर कहा, वन पोषकों के मजदूरी का अविलंब भुगतान हो, नहीं तो आंदोलन होगी। अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा और भाकपा माले ने मनरेगा में मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर बैरिया के मनरेगा कार्यालय पर प्रदर्शन कर बकाया भुगतान की मांग। उक्त अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए माले नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि नीतीश मोदी राज मजदूरों के लिए भूखे मरने के राज में तब्दील हो गया है। सरकार ने मनरेगा से बगही रतनपुर पंचायत में वर्ष 2019 में पेड़ लगाया, मजदूरों को बहाल किया, लेकिन 3 साल में अब तक मात्र 6 से 7 माह का भुगतान हुआ है। लोग भूखे मरने के लिए मजबूर है। सरकार मजदूरों के मजदूरी का भुगतान अविलंब करें, वरना अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा और भाकपा माले आंदोलन के लिए बाध्य होगा। माले नेता जोखू चौधरी ने कहा कि मनरेगा कार्यालय में मजदूरी के भुगतान के लिए लोग दौड़ लगा रहे हैं, अंचल प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं। मुजमिल हुसैन ने कहा कि मनरेगा पीओ कार्यालय से गायब रहते हैं, मजदूर अपनी समस्या को लेकर आते हैं तो यहाँ कोई सुनने के लिए नहीं मिलता। मौके पर भिखारी बैठा शिवधारी राम, तपसी राम, ध्रुव राम, मोहन राम, मोतीलाल राम, मोती महतो, शंकर महतो आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज़, बेतिया। हाँ, क्या मामला है? बगही में वनपोषक लोग लमैया टोला गांव में 2019 से काम कर रहे हैं और उन लोगों का आज तक किसी का 6 महीना का 7 महीना का पेमेंट ही हुआ है और अभी तक ये लोग पेमेंट के लिए दौड़ रहे हैं और मनरेगा पीओ इस पर कोई जवाब दे नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि रोजगार सेवक कर रहे हैं, रोजगार सेवक यहाँ से बदली हो गया है, वह दूसरे पंचायत में चला गया है। इन लोगों के पैसे की जवाबदेही लेने से ये लोग भाग रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन पर आए हुए हैं।